रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ मजा आया। ओके, कैसे कैसे ऐसा कर तो बहुत मस्त होंगे। सुकर स्पीड में एडिटिंग सिखाएंगे, मकर संक्रांति के ऊपर एक कमिंग सून वाला टेटर ट्रेनिंग सिखाएंगे। आप लोग इस टाइप का टेटर ट्रेनिंग करना चाहते हो तो वीडियो को फुल वॉच करते रहो। वीडियो में जो कुछ भी मटेरियल वगैरह यूज़ करूँगा सभी का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डायरी लिंक मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, उनपे सारे मटेरियल का लिंक मिल जाएगा। सुकर वीडियो अच्छा लगा ना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके जो बल का बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर देना, इसी तरह एडिटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुकर हम बिल टू अवेलेबल वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, ऑलराइट, इस टाइप का मकर संक्रांति को और कमिंग सून टेटर ट्रेनिंग करने के लिए फ़ोन के अंदर एक ऐप रहना जरूरी है, वो है एलामोशन ऐप। तो आप लोग बिना वाटरमार्क का एलामोशन ऐप नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में जाके आप लोगों को सिंपली इसका लिंक मिल जाएगा, पिन मार के ऊपर टच करके सिंपली आप लोगों को नीचे से आ जाना पड़ेगा तो इसका लिंक आप लोगों को मिलेगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना गाइस। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक के ऊपर टच कर देना, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाओगे। नहीं तो टेलीग्राम ऐप में मेरा चैनल नेम सर्च कर सकते हो बिल टू एमटेक बोल करके, तो आप लोग सबसे ऊपर मेरा चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाने गए। और गाइस इस टाइप के टेटर ट्रेनिंग करने के लिए तो प्रोजेक्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा एलामोशन ऐप के अंदर। उन दोनों प्रोजेक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग सिंपली इंपोर्ट कर लेना। जिन लोगों का प्रोजेक्ट इंपोर्ट नहीं होता उन लोगों के लिए मैंने एक्सएमएल बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, तो आप लोग भी सिंपली एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो गाइस। मैंने ऑलरेडी तो प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करके रखो एलामोशन के अंदर, आप लोगों को दिखा दूंगा आप लोग जो प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लोगे एलामोशन के अंदर किस नाम से टाइटल शो करेगा। तो सिंपली लिंक के ऊपर टच करोगे डायरेक्टली आप लोगों को कोई भी ब्राउजर पर ले जाएगा, उसके बाद आप लोगों को एलामोशन के अंदर लेकर आएगा। उसके बाद इंपोर्ट पर टच कर देना, उसके बाद अभी आप लोग इंपोर्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो मैं प्रोजेक्ट पर जाऊँगा गाइस, उसके सिंपली आप लोगों को फास्ट म्यूजिक बीट मार जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करके दिखाता हूँ गाइस। इसके अंदर आप लोगों को इस टाइप का ऑडियो रहेगा और यहाँ पे आप लोगों को कुछ बीट मार शो करेगा, बीट मार के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे फोटो ऐड करना पड़ेगा। इसका टाइटल जो शो कर रहा है आप लोग देख लीजिए, मकर संक्रांति बीट मार बाय विल टू एमटेक, ऐसे करके आप लोगों को प्रोजेक्ट का टाइटल दिखने को मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना, तो मैंने ऑलरेडी फोटो ऐड करके रखा हो तो न्यू व्यूअर के लिए एक दो फोटो ऐड करके दिखा दूंगा। इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करने के बाद आप लोग और एक प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर आप लोगों को दो इफेक्ट मिल जाएगा इस टाइप का, तो इन दोनों प्रोजेक्ट को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना इस टाइप का टेटर ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। इन दोनों प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करने के बाद सिंपली मैं मेन प्रोजेक्ट को ओपन करके आप लोगों को दिखा दूंगा क्या काम आप लोग करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों को जो लंबा सा गैप मिल रहा है गैप के अंदर आप लोगों को वीडियो क्लिप को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने वीडियो क्लिप के अंदर जो भी बना के देख कर रखा हूँ आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऑलरेडी इसके लिए आप लोगों को एक लाइक करना पड़ेगा, आप लोग कुछ नहीं काम करना पड़ेगा, सिंपली वीडियो क्लिप को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली प्लस अगेन में टच करना, मीडिया पे जाना, उसके सिंपली यहाँ पे टच करना पड़ेगा। अपना फोल्डर जो भी ओपन रहेगा तो आप लोग ओपन कर लेना सिंपली यहाँ पे टच करके। तो मैंने नॉट वीडियो से इसका फिनिशिंग दिया था, तो मुझे एक भाई इसका वीडियो बना के दिया था, तो उस वीडियो के ले करके मैंने इस टाइप का एडिट किया टेटस। सिंपली वीडियो क्लिप को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, तो सिंपली सिलेक्ट करने के बाद सिंपली देख सकते हो यहाँ पे कमिंग सून बोल करके इस टाइप का इफेक्ट मिल जाएगा टेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पे हैप्पी मकर संक्रांति बोल करके इस टाइप का एक टेक्स्ट इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगा कि इस टाइप का आप लोगों को इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो इसके अंदर साउंड वगैरह मैंने म्यूट करके दे दिया हो, तो आप लोग कुछ नहीं काम करना पड़ेगा, सिंपली इसको ऐड करना पड़ेगा। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया, उसको सिंपली एरो में एक बार टच करिएगा, उसके बाद अभी आप लोग यहाँ से फोटो एक एक करके ऐड करना पड़ेगा। तो सारे फोटो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में, आप लोग डाउनलोड कर लेने गए। सिंपली प्लस आइकन में टच करेंगे, उसके सिंपली मीडिया पर टच करेंगे, उसके सिंपली इस आइकन में एक बार टच करके आप लोग सिंपली इस आइकन में टच करेंगे फिर से गए। तो मैं फोल्डर ओपन कर लूँगा, प्रिंटर से कुछ फोटो डाउनलोड किया था, तो आप लोग भी चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मेरा फोटो लेकर के आप लोग टेटर ट्रेनिंग कर सकते हो। सिंपली मैं कुछ गर्ल का फोटो ऐड करूँगा यहाँ पे, सिंपली इस फोटो को मैं ऐड कर लूँगा प्लस आइकन में टच करके। तो मैंने ऐड कर लिया, उसके सिंपली एरो में एक बार टच करेंगे बीडमार्ट तक चला गया, उसके इस आइकन में एक बार टच कर देंगे एक्स्ट्रा पर चला जाएगा, थ्री डॉट पर जाकर इसको फिल कंप्रेसर एरिया कर देंगे, हो गया फोटो एडजस्टमेंट। और बस चाहो तो मूवमेंट उस पर जाकर ऐसे करके रेप राइट जिस टाइप रखना चाहते हो उस टाइप आप लोग रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग कर लेना फोटो को एडजस्टमेंट। तो मैंने ऑलरेडी सारे फोटो एडजस्टमेंट करके रखा, तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो आप लोग को ऐसे करके सारे फोटो ऐड करने के बाद अभी इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपली इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्लोज करके बैक होता हूँ,
इसका सिंपली हम लोग यहाँ पे दो इफेक्ट मैंने बोला था, तो यहाँ से आप लोग दो इफेक्ट को कॉपी करना पड़ेगा। तो कहाँ पे कितना था दोगे आप लोग को बता दूंगा। सिंपली यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट है, इसको कॉपी करना पड़ेगा। इफेक्ट पे जाके थिएटर पे इसको कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। मैंने कॉपी कर लिया, उसके अंदर बैक हो जाएंगे। उसके मेन प्रोजेक्ट को फिर से ओपन करके जितना तक आप लोगों को फोटो आ रहे हैं वहाँ से जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैं जाके फर्स्ट फोटो लेवल पर टच करके इफेक्ट पर जाकर थीटर पे इसको पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। तो ऐसे करके आप लोग को इस एक नंबर इफेक्ट कितना तक लगा होगा आप लोग दिखा दो। फर्स्ट फोटो, सेकंड फोटो, थर्ड एंड फोर्थ फोटो, इन चारों फोटो के अंदर एक नंबर इफेक्ट को लगाना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली 16 सेकंड के बाद आप लोगों को दो नंबर इफेक्ट को पेस्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने करके रखा है, तो सिंपली आप लोग जैसे मैंने एक नंबर इफेक्ट को कॉपी किया था फोटो लेयर पे जाके इफेक्ट पे जाके थीटर पे इसको कॉपी करके आ जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप लोग आके सिंपली 16 सेकंड से जितना तक फोटो शुरू हो रहा है वहाँ से आप लोग लास्ट फोटो तक इस दो नंबर इफेक्ट को पेस्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग सारे फोटो के अंदर इफेक्ट दे देना पड़ेगा। उसके बाद अभी आप लोग जो काम करना पड़ेगा यहाँ पे आ जाना पड़ेगा यहाँ पे गाइस। तो सिंपली 12 सेकंड जहाँ से मैंने बोला था ख़त्म हो रहा है वीडियो लेयर, वहाँ पे आके अभी आप लोगों को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। उसके सिंपली प्लस सेकंड में टच करना पड़ेगा। उसके सिंपली यहाँ से एक शेप लेना पड़ेगा। शेप लेने के बाद सिंपली इसको थीटर पर इसको फिल्म कंप्रेसर एरिया कर देना पड़ेगा। तो फिल्म कंप्रेसर एरिया कर दिया, जितना तक आप लोगों का वीडियो बना है उतना तक जाना पड़ेगा। उसके इस आइकन में एक बार टच करके उतना तक ले लीजिए। लेने का सिंपली कलर पे टच करिए। उसके सिंपली ट्रांसपेरेंट कलर जो है, मतलब जो दोनों कलर है यहाँ पे टच कर देना। उसके दो कलर सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर जो ब्लैक है ब्लैक को ऐसे करके आप लोगों को रखना पड़ेगा, और यहाँ पे नीचे जो व्हाइट है इसको ऐसे करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके आप लोग दो बिंदी को ठीक से अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है, नीचे व्हाइट को ऐसे रखना पड़ेगा और ब्लैक को इस टाइप रख देना पड़ेगा। उसके सिंपली जो व्हाइट है व्हाइट पे टच करना। उसके यहाँ पे जो भी आप लोग कलर देना चाहते हो दे सकते हो, मैं सिंपली यहाँ पे इस कलर को दे दूंगा। उसके सिंपली इसको भी नीचे जो बिंदे इसको थोड़ा सा और भी नीचे ले लेंगे। ठीक है, इस टाइप आप लोग को एक शैडो टाइप का इफेक्ट देना पड़ेगा। उसके इसको डन करके पैक होते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाना पड़ेगा। लाइटिंग पे जाकर इसको स्क्रीन पे सिलेक्ट कर देना पड़ेगा। ऊपर जो ब्लैक स्किन है इसको हट जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को इस टाइप का एक शैडो टाइप का इफेक्ट दे देना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे करके शैडो टाइप का इफेक्ट दे देना। थोड़ा सा चाहो तो इसको और भी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप लोग को एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके कर लेना शैडो टाइप का इफेक्ट। उसके बाद यही आप लोगों को फर्स्ट करवा देना पड़ेगा वीडियो का। अभी उसके बाद अभी आप लोगों को प्लस सेकंड में टच करना। उसके सिंपली यहाँ पे मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद सिंपली आप लोगों को जाना पड़ेगा आप लोगों के जो वीडियो मैंने बोला था। तो सिंपली यहाँ पे फिर से टच करेंगे, उस फोल्डर को ओपन करके जो पार्टिकल वाला वीडियो है उसको हम लोग ढूंढ लेंगे। उसके बाद सिंपली अभी आप लोग उसको ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना। उसके जिस फोल्डर में रहेगा आप लोग सिंपली वहाँ से आप लोग वीडियो को ऐड कर लेना। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पर मेरा वीडियो है गाइस, ऐड कर लूँगा। तो मैंने डाउनलोड फोल्डर पर था, तो सिंपली उस वीडियो की क्लिप को मैं ऐड कर लेता हूँ। सिंपली वीडियो क्लिप को नीचे साइड शायद है तो यहाँ पे है, इसको ऐड कर लेंगे। तो सिंपली प्लस एक मिनट आपसे इसको ऐड कर लिया। उसके सिंपली इसको हम लोग जो एक साइड में ग्रीन स्किन तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो इस लेयर को ऊपर टच करके इसको थ्री रुपया इसको फिल कंप्रेसर एरिया कर देंगे, हो गया। उसके सिंपली इसका ऑडियो रहेगा तो सिंपली करके जाके इसको म्यूट कर देना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली इसका जो ब्लेंडिंग है ना ओपेसिटी पे जाना पड़ेगा। उसको लाइटिंग पे जाके इसको भी स्क्रीन पे सिलेक्ट कर दीजिए। इसका जो ब्लैक स्किन हट जाएगा उसका आप लोगों को देख लेना पड़ेगा। जितना तक आप लोग वीडियो उतना तक है नहीं है, तो सिंपली ज़्यादा रहे तो आप लोगों को डिलीट कर देना पड़ेगा। तो उतना तक एक्स्ट्रा है पार्ट तो सिंपली सेकंड में टच कर इसको डिलीट कर दीजिए। हो चुका है हम लोगों का पर्टिकुलर ऐड। तो उसके बाद अभी आप लोगों को मैं एक बात बता दूंगा। मुझे एक भाई बोल रहा था, एक नहीं दो आप लोगों को ट्रिक बोल देता हूँ। तो सिंपली आप लोगों को अपना चैनल लोगो इंस्टॉल हो जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। सिंपली एक मेरा वाटरमार्क है तो प्लस एक में टच करके सिंपली उसको ऐड कर लेंगे। तो आप लोग भी कर लेना। सिंपली मैं पिक्सल लैब से बनाया था तो सिंपली उस वाटरमार्क को ऐड कर लेंगे। अभी सिंपली मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, प्लस एक में टच कर तो ऐड कर लिया। उसके सिंपली इसको आप लोग छोटा जितना करना चाहते हो कर सकते हो। सिंपली मूवमेंट पे जाके सिंपली साइकिल में एक बार टच करके इसको ऐसे करके छोटा कर लेना। आप लोगों को तो वाटरमार्क ऐड करना आता है तो आप लोग कोई बात नहीं, तो मुझे दो भाई बोल रहा था तो इसीलिए मैं उन लोगों के लिए पर्टिकुलर बना रहा हूँ इस टाइप का। ठीक है, तो इसको ऐसे करके छोटा कर लेना। उसके सिंपली इसको इस साइड एक साइड रख देंगे। उसके सिंपली इसको जितना तक आप लोगों का वीडियो है उतना तक आप लोगों को ले लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली इस आइकन में टच कर ले लेंगे। उसके बाद अभी आप लोगों को इसके अंदर इफेक्ट देंगे। तो इफेक्ट देने के लिए ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाएंगे। उसको सिंपली यहाँ पे लाइटिंग जो है लाइटिंग पे जाके स्क्रीन पे सिलेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया। ठीक है, लाइटिंग पे नहीं, सॉरी, इसको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाके आप लोगों को कॉन्टेस्ट पे जाना पड़ेगा। उसको ओवरले कर देना पड़ेगा। तो ये अपने फोटो के एडजस्टमेंट हो जाएगा, देख सकते हो ऐसे करके हो जाएगा। जब भी फोटो मूवमेंट होगा उस टाइप का आ जाएगा इफेक्ट। तो मैं और एक आप लोग को ट्रिक बताऊंगा गाइस, मुझे इसके बारे में एक भाई बोला था। तो प्लस सेकंड में टच करेंगे। उसके सिंपली मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके शॉर्ट नेम लिख देता हूँ। तो सिंपली शॉर्ट नेम लिखेंगे हम लोग। तो सिंपली मैं मेरा चैनल नाम लिख देता हूँ शॉर्ट में।
एम टेक ऐसे करके कर लिया। उसके सिंपली यहाँ पे फॉन्ट आप लोग एडजस्टमेंट कर लेना, जो भी फॉन्ट है तो मैं इसको एक कोई भी फॉन्ट दे दिया। उसके बाद सिंपली आप लोगों को जो काम करना पड़ेगा, मैं इसको जितना तक वीडियो उतना तक ले लेंगे। लेने के बाद सिंपली इसका जो कलर है इसको व्हाइट पे सिलेक्ट कर देना, व्हाइट पे इसको भी सिलेक्ट कर देंगे। उसके सिंपली इसका भी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाके इसको भी हम लोग कॉन्टेस्ट पे जाके वाले कर देंगे, हो गया। उसके सिंपली इसको भी आप लोगों को जो काम करना पड़ेगा एक साइड रखना पड़ेगा। अभी मूवमेंट पे जाके इसको एक साइड रखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो रखने के बाद सिंपली इसको यहाँ पे एक प्लस आइकन दे देंगे, फास्ट में जाके एक प्लस आइकन दे देंगे, फास्ट में जाके प्लस आइकन दे दिया। देने का सिंपली इसको हम लोग लास्ट में जाके यहाँ पे की दे देंगे, ठीक है, दोनों की दे दिया। उसके सिंपली इसको ऐसे करके स्लाइड करके हम लोगों को मूवमेंट कराना पड़ेगा। मुझे इसके बारे में एक भाई बोल रहा था तो उसको भी मैंने बता दिया, तो आप लोगों को पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग भी दे सकते हो। तो ऐसे करके एक एनिमेशन सिलेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। उसके सिंपली वीडियो को सेव करने के लिए सेकंड में एक बार टच करिए, उसके सिंपली सेकंड में एक बार टच करिए, उसके वीडियो क्वालिटी जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। उसके सिंपली एक्सपोर्ट पर टच कर देना, एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, उसके इंटरफेस आएगा सेव बोल करके, उसके क्लिक कर देने का वीडियो फोन के अंदर लोग गाइस सेव हो जाएगा। ठीक है, सभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बल का बेल आइकन रहता है उसको ऑल पे प्रेस कर देना, सबसे पहले एडिटिंग वीडियो देखने के लिए। और गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक भी कर देना और कमेंट में जरूर बताना, प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड्स शेयर भी कर देना। और इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग ऑल, बाय बाय।